मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि मैं कई स्थानों पर गया हूं, जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसी हिसाब से 12 13 सीटें आ रही हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बना दिए, लेकिन भाजपा इसमें माहिर है। मंगलवार को जैन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। मैं सोचता हूं कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूंगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही विभाग बेपरवाह हो गए। इसका एक दृश्य सोमवार शाम को बोट क्लब से 150 मीटर की दूरी पर स्थित एमपी टूरिज्म के रेस्टोरेंट विन एंड वेव में देखने को मिला। यहां शाम को एक शादी के फंक्शन में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसमें ध्वनि प्रदूषण 84.7 डेसिबल तक पहुंच गया। अब मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एमपी टूरिज्म को पत्र लिखने की बात कही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मध्य प्रदेश में पांचवा और आखिरी दिन है। यात्रा उज्जैन जिले के इंगोरिया से शुरू हुई है। राहुल गांधी यहां रोड शो और महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके बाद यात्रा बड़नगर से धार जिले के बदनावर पहुंचेगी, जहां जनसभा का आयोजन होगा। इसी कड़ी में दोपहर 3 बजे यात्रा रतलाम में प्रवेश करेगी। रतलाम से राजस्थान के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार 6 मार्च को मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसके अगले दिन 7 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में जन संसाधन विभाग, नर्मदा नियंत्रण मंडल एवं बृहद परियोजना नियंत्रण मंडल के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र अगले 5 साल में 1 करोड़ हेक्टेयर को पार कर जाएगा। बैठक में ओमकारेश्वर के फ्लोटिंग प्लांट से ऊर्जा उत्पादन शीघ्र प्रारंभ होने की जानकारी मिली है। उल्लेखनीय है कि नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की परियोजना से प्रारंभ में ही 50 मेगावाट उत्पादन होगा।